बैतूल में एक निजी स्कूल के क्लास फर्स्ट के छात्र प्रियंक देशमुख की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक प्रियंक स्कूल के टॉयलेट के पास बेहोश हो गया था। उसे फौरन नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। प्रियंक के परिजनों का कहना है कि घटना से कुछ देर पहले ही वो स्कूल में प्रियंक की टीचर से मिलकर लौटे थे, तब प्रियंक बिल्कुल ठीक था, वहीं उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। पुलिस ने प्रियंक का शव पीएम के लिए भेजा है, जहां शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह मालूम चल सकती है। बैतूल से हमारे संवाददाता अमित पवार ने बताया कि माइंड्स आई इंटरनेशनल स्कूल की क्लास फर्स्ट में पढ़ने वाले प्रियंक देशमुख की स्कूल में अचानक मौत हो गई। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। प्रियंक के परिजनों ने बताया कि वो कुछ देर पहले ही स्कूल गए थे, लेकिन स्कूल से वापस आते ही उन्हें फोन आया कि प्रियंक बेहोश हो गया है। राकेश मंडल। राकेश, बताइए बच्चे किस तरह से एकदम से बेहोश हो गया था, और हमें जैसे ही पता चला हम लोग दो लोग दौड़ के गए और जाके उसे उठा के डायरेक्ट पहले लश्कर के पास लेकर गए। लश्कर जी ने बताया कि यहाँ नहीं रहा वो, अब तो आप यहाँ लेके आ जाओ सरकारी में। तो हम लोग डायरेक्ट ना वेट किया, सरकारी में डायरेक्ट लेकर आए। क्या कारण? अभी कारण कुछ नहीं पता चला, कि ऐसा लगा कि वो बेहोश हो गया है। और इतने मैडम लोग ने हमें बुलाया तो वो बेंच पे लेटा हुआ था, है ना, मैडम लोग उसको हिला रहे थे, उस पर पानी डाल रहे थे, पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो हम लोग बस उठा के लेकर चले आए। स्कूल में कोई बात हुई थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीमार नहीं, नहीं, छोटा बच्चा है, कहाँ बीमार होगा। किसी बात को लेकर पेरेंट्स को भी नहीं, नहीं, पेरेंट्स को वो देखो ऐसा है कि मैम ने ऐसे ही फीस लेटर बात करने की बुलाई थी, मैं वो तो पेरेंट्स से करते ही है। उसके बाद नहीं कोई ऐसी शिकायत वगैरह तो नहीं थी जिसके कारण डांटा गया? नहीं नहीं, हमें बच्चों को भी डांटते हैं, हमारे ना बच्चों को मारा जाता है ना बच्चों को डांटा जाता है। क्या नाम है आपका? नरसिंह राव देशमुख। ये क्या हुआ बताइए? बच्चा तो स्कूल गया था सुबह तैयार हो के 8:30 बजे, और उसके बाद में स्कूल गया तो कुछ मैडम ने फ़ोन किया वहाँ से स्कूल से कि आपके बच्चे की कंप्लेंट है, तो आप आइए। बोले मैडम को भी जाइए, तो मतलब मैडम मैं आ जाता हूँ, मार्केट में था उस समय, नहीं बोले मैडम को भी जाना। फिर मैं लेके गया मैडम को मेरे यहाँ की, तो किसी यानी छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, कोई लड़की इनके बाजू में कल बैठी थी क्लास में, वो ऐसे कुछ खेल खेल में कुछ बोल बाल दिया होगा, ऐसा कुछ हुआ। फिर वो दोनों को समझा बुझा के बच्चों को भिजवा दिया। उसके बाद में हमको ही बोले कि जाओ, और उसके बाद में फिर मैं चले गया, मैं मेरे काम से चले गए, ये अपने काम से। फिर एक घंटे बाद फ़ोन आता है कि आपका बच्चा बेहोश हो गया बोले, और गिर गया बोले। फिर मैं वहाँ पहुँचता हूँ, बोले लश्कर के यहाँ ले गए मेरे को लश्कर साहब ने। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बता दिया था कि बोले ख़त्म हो गया बोले आपका बच्चा, और बढ़िया कोई दिक्कत नहीं थी, सुबह बढ़िया नाश्ता वास्ता करके वो कुछ बता नहीं पा रहा हूँ मैं कि किस तरह के। बाकी मेरे बच्चा बिल्कुल 100% स्वस्थ था, नहीं नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसको, घर पे भी पूरे मोहल्ला उसको लाड़ करता था, घर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। शिकायत ये आई थी कि किसी बच्ची को उसने कुछ बोल दिया था कि कोई ऐसे मोबाइल वोबाइल पे कुछ गंदा सीन वीन देख लिया होगा, तो कोई ऐसी कुछ बात हुई थी, वो भी मतलब बाद में को खुल के नहीं बताई थी। मतलब पढ़ाई का प्रेशर नहीं था, पढ़ाई में तो बहुत होशियार था, पहली में था।